चैप्टर नंबर हमारा 8 चल रहा था, वो तो कंप्लीट हो चुका था। त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। और इसमें हम क्या निकालेंगे, निर्देशांक ज्यामिति हम सीखेंगे सबसे पहले दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या फॉर्मूला होता है दूरी, अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दूरी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, 2.3 4.1 के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, पहले वाले को एक्स वन वाई वन मानेंगे, दूसरे वाले को एक्स टू वाई टू मानेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला लगाएंगे दूरी बराबर अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। देखिए हम यहाँ पर एक्स टू और एक्स वन की जगह एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है। यहाँ एक्स टू का मतलब 4 है, एक्स वन का मतलब 2 है, पूरे का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मतलब 1 है, वाई वन का मतलब 3 है का होल स्क्वायर। घटा लेंगे इसको, 2 में से 4 में से 2 गए तो बचेंगे 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 गए तो माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग भी 4 ही आएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 4 4 8, और हम इसको लिख सकते हैं 2√2 इकाई। इसका जो मात्रक होता है वो ऑर्डर होने का इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट है, -5.7 -1.3। यही अपना क्वेश्चन है, और इसको हम लिखेंगे पहले पॉइंट को एक्स वन वाई वन, दूसरे को एक्स टू वाई टू। फिर से दूरी बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे, दूरी बराबर अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स टू कितना दे रखा है हमें माइनस का वन, एक्स वन कितना है माइनस का है, साइन चेंज होकर हो जाएगा प्लस का, वाई टू कितना है 3 है, वाई वन का मान कितना है 7 है, 4 5 में से 1 गया तो 4 का वर्ग, 7 में से 3 गया तो माइनस 4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16, माइनस 4 का वर्ग भी 16 हो जाएगा, और 16 को 16 को जोड़ेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा, और 32 को जब हम बाहर निकालेंगे तो आएगा ये 4√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट है ए कॉमा बी, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है -a, -b। ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट को एक्स वन वाई वन, सेकेंड वाले को एक्स टू वाई टू। फॉर्मूला लगाएंगे दूरी बराबर अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक्स टू वाई टू की जगह हम वैल्यू रखेंगे। देखिए एक्स टू की जगह माइनस ए तो माइनस ए रखेंगे, एक्स वन की जगह ए है और माइनस का साइन है तो माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार वाई टू की जगह माइनस बी, माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस टू ए का होल स्क्वायर, एक और एक दो हो जाते हैं, माइनस टू ए का होल स्क्वायर। सेम इसी प्रकार इसको लिखेंगे माइनस टू बी का होल स्क्वायर। ठीक, जोड़ देंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे, दो दूनी 4a² 4b². ठीक, 4 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 में से 2 में से बाहर निकालेंगे 2, और अंडर रूट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या दे रखा है बिंदु 0.0 और 36.15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, 0.0 दे रखा है बिंदु और दे रखा है 36.15। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी निकालनी है, तो इसको x1 y1, इसको x2
वाई को फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर सेम फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स टू की जगह हम किसका रखेंगे 36 का माइनस जीरो का स्क्वायर, वाई टू की जगह 15 माइनस जीरो का वर्ग। ठीक इसी प्रकार हम 36 का वर्ग कर सकते हैं प्लस 15 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 36 का वर्ग हमें नहीं पता तो हम निकाल सकते हैं 36 की 36 से गुणा करके, 6 × 36 3 हो गया, 6 × 3 = 18 हो गया, 6 × 18 = 3 × 9 = 10। ठीक है, तो जो कितना आ जाएगा 36 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 12 × 96, 15 का वर्ग होता है 225। फाइनली दोनों को जोड़ लेंगे कितना है 1296 में से 225 हमें ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा अपना हो जाएगा ये 1521 हमें निकालना है। 21 का वर्ग होता है 1521 के फैक्टर कर ले रहे हैं 3 × 3 = 15 0 × 3 = 21 3 × 3 = 3 और 2 × 3 = 18 3 × 27। ठीक है, 13 का वर्ग 13 तो हम यहाँ 15 × 21 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 13 × 13। ठीक है, जोड़े को अंडर रूट में से बाहर निकालो 3 × 13 और 13 × 3 करेंगे तो आपको आएगा 39। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निर्धारित कीजिए कि बिंदु दे रखे हैं, कि आपको जो बिंदु दे रखे हैं वो क्या बिंदु दे रखे हैं 1, 5 और 2, 3 और नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है -2, -11 और दे रखा है बिंदु क्या है संरेखी है। संरेखी है तो सबके मान निकालते हैं, पहले ए बी, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी, तो ए का पॉइंट लिख लो 1, 5, बी का पॉइंट लिख लो 2, 3। ठीक है, इसको एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे दूरी बराबर फॉर्मूले में होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। फॉर्मूले में से घटा देंगे 2 में से 1 गया तो 1 का वर्ग, 3 में से 5 गए तो -2 का वर्ग हो जाएगा, दोनों को जोड़ के वर्ग खोले 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 का वर्ग 4 हो गया, दोनों को जोड़ने का रूट 5 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम किसकी निकालेंगे बी सी की दूरी फिर से वही बी का पॉइंट लिख रहे हैं 2, 3 और सी का है -2, -11। ठीक है, इसको भी वही हम एक्स वन वाई टू मान लेंगे, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, फॉर्मूला लगाएंगे दूरी का क्या होता है दूरी बराबर एक्स टू माइनस यानी 2 − 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 − 3 का वर्ग। ठीक है, -4 का वर्ग प्लस -14 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है 16 + 14 का वर्ग होता है 196 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 का 2 और क्या नाम है 10 और 11 ये लगभग हो जाएगा 212। ठीक है, इसी प्रकार हम सी ए की वैल्यू निकालेंगे, सी ए की दूरी या ए सी की दूरी, ए का पॉइंट कितना है 1, 5 और सी का है -2, -11। ठीक है, इसको एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू फिर से दूरी बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे 2 − 1 = -11 − 5 = 2 में से 1 जोड़ देंगे तो -3 का वर्ग 15 में 11 जोड़ेंगे -16 का वर्ग 3 का वर्ग कितना करना होता है 16 का वर्ग जोड़ेंगे 256 होता है। ठीक है, और इसके जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, 6, 15 और 6 = 265। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जांच कीजिए क्या बिंदु इतने एक समद्विबाहित त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, कौन कौन से बिंदु हैं 5, -2 6, 4 7, -2। ठीक है, ये हमें बताना है, ये हमें बिंदु दे रखे हैं
और हमें ये बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं कोई सी भी आपस में बराबर आएंगे। सेम प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, पहले ए बी की दूरी क्या होती है, 5, -2, 6, 4। मैंने पॉइंट लिख लिए, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। फॉर्मूला लगाऊंगी, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y2 का स्क्वायर। 6 में से 5 गया तो 1 का वर्ग, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, दोनों को जोड़ते हैं क्या आ गया, अंडर रूट 37 आ गया। ठीक, इसी प्रकार हम निकालेंगे बी सी की दूरी। बी का कितना पॉइंट है, 6, 4। सी का कितना, 7, -2। x1 y1, x2 y2, दूरी बराबर फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, 6 में 7 में से 6 है तो 1 का वर्ग, 6 को 4 को और 2 को जोड़ लेंगे तो माइनस 6 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, दोनों को जोड़ने पर अंडर रूट 7 आ गया। इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए सी की दूरी। ए का पॉइंट कितना है, 5, -2, और सी का पॉइंट दे रखा है 7, -2 की दूरी। ठीक है, पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2 निकालेंगे। ठीक है, और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, फिर से वही दूरी बराबर, अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y2 का स्क्वायर। ठीक, 5 में से 7 का, 7 में से 5 गया तो 2 का वर्ग, 2 से 2 कैंसिल हो गए तो 0 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है जी, 4 होता है, उसका आंसर 2 आ गया। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि 2 डिजिट बराबर आ गए, क्या √37 और √37, इसलिए किसका है, अतः समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किसी कक्षा में 4 मित्र जो ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आते हैं, और कुछ मिनट के बाद देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी का सूत्र का प्रयोग करके इसमें से आपको बताना है पॉइंट। देखिए, हम यहाँ से पॉइंट निकालेंगे ए का, बी का, सी का, डी का। तो देखिए, ए का जो पॉइंट बन रहा है इधर से 4 और 3, जो ए का पॉइंट बना वो 4, 3 हो गया। ठीक है, बी का पॉइंट देखेंगे 7 और 6। बी का जो पॉइंट आ रहा है वो 7, 6 है। सी का पॉइंट है 4, 9 और डी का आपको पॉइंट दे रखा है 1, 6। ठीक है, अब यहाँ पर 4 बार दूरी का यूज करेंगे। पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे। ठीक है, ए बी की दूरी, ए का पॉइंट कितना है 4, 3, बी का कितना है 7, 6। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट में पहले वाले को x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 - x1 का वर्ग, y2 - y1 का वर्ग, 7 में से 4 गया 3 का वर्ग, 6 में से 3 गया 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है 9 + 9, अंडर रूट के अंदर कितना आ गया 18। ठीक है, 18 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो फैक्टर कर ले रहे हैं, 2 * 18, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3√2। अब हम किसकी निकालेंगे, बी सी की निकालेंगे, बी सी की दूरी। तो बी का पॉइंट कितना, नोट कर ले रहे हैं, बी का पॉइंट है 7, 6 और सी का पॉइंट है 4, 9।
बी का पॉइंट है 7.6 और सी का पॉइंट है 4.9। ठीक है, पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2। अब हम यहाँ पे निकालेंगे बी सी की दूरी बराबर होगी अंडर रूट में एक्स टू यानी 4 - 7 का वर्ग, वाई टू 9 - 6 का वर्ग। ठीक, तो 4 में से 7 गए तो कितने बचेंगे हमें, -3 का वर्ग, और 9 में से 6 गए तो 3 का वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग -3 का वर्ग भी 9 आएगा, +3 का वर्ग भी 9 आएगा, ये भी रूट में 18 हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं 3√2 का वर्ग। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं, किसकी निकालेंगे, सी डी की। तो सी का पॉइंट तो 4.9 है और डी का पॉइंट हमें दिया था 1.6। सी का पॉइंट है 4.9 और डी का पॉइंट है 1.6। फिर से हम निकालेंगे सी डी की दूरी बराबर पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y1, x2 - x1 का वर्ग, y2 - y1 का। ठीक है, 1 में से 4 है तो कितना बचेगा, -3 का वर्ग, 6 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, -3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 - 3 का वर्ग 9, और दोनों को जोड़ेंगे तो 18 और 18 की हम लिख सकते हैं 3√2। अब हम निकालेंगे ए डी की दूरी, ए का पॉइंट कितना है 4.3 और डी का पॉइंट कितना है 1.6। पहले वाले को x1 y1, x2 y2। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ए डी की दूरी अंडर रूट में x2 - x1 का वर्ग, y2 - y1 का वर्ग, यहाँ से बचेगा -3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 होता है, +9 दोनों को जोड़ देंगे 18 और 18 किसका वर्ग होता है 3√2।